नमस्कार, मैं कंचन तिवारी, आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। प्रस्तुत है आज के समाचार की मुख्य सुर्खियां। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों आपस में इस संक्रमण पर बात करेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 76 लाख के पार। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि राज्य में दोबारा लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने आज यहां अपने कार्यालय से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राज्य में लॉकडाउन के संबंध में उड़ रही सभी तरह की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा। उन्होंने लोगों को ये भी सलाह दी कि वे बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सही दिशा निर्देशों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा, लॉकडाउन की फिर से घोषणा नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कहीं भी भीड़ न लगाएं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। देश में कोरोना वायरस COVID-19 के प्रकोप से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावी है और यहाँ COVID-19 मामलों की संख्या 97,000 के पार पहुँच गई है। ये चीन में कुल मामलों से आगे निकल गया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करेंगे। जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के संग होने वाली इस बैठक में दिल्ली के LG मुख्यमंत्री के अलावा SDM के सदस्य और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ एम्स के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली CM के साथ कोरोना पर शाह की एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बातचीत होगी। इससे पहले 10 जून को केजरीवाल ने अमित शाह से मुलाकात की थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 76.51 लाख लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4.26 लाख से अधिक लोगों को इस जानलेवा विषाणु के कारण मौत के काल के गाल में समाना पड़ा है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 76,50,696 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4,25,869 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से संक्रमित 34 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले और ब्राज़ील दूसरे तथा रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, ब्रिटेन तीसरे क्रम पर आ गया है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 11,458 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,993 हो गई है। उधर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं वो, जिसकी जानकारी अफरीदी ने खुद सोशल मीडिया पर आकर फैंस को दी। अफरीदी ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, मैं गुरुवार से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मेरा परीक्षण नहीं हुआ है और दुर्भाग्य से मैं सकारात्मक हूँ। शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। आज के समाचार में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलूंगे आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दें अपनी दोस्त कंचन को। नमस्कार।